मूवी ऐसी कहानी पे बेस्ड है जिसमें एक कंपनी बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करती है, को स्पेशल पावर देती है, इंटेलिजेंट बनाती है और सुपरमैन की तरह सारी पावर देती है। शुरुआत एक लेडीज होती है जिसका नाम डॉक्टर बेकर, जो इस एक्सपेरिमेंट के इंचार्ज रहती है। वहाँ से एक लड़की भागती है जिसका नाम जायुन रहता है। वो एक फार्मर के घर जाकर बीओसी की हालत में मिलती है। तभी से वो फार्मर और उनकी वाइफ उसे गोद लेते हैं। उसके बाद वो 10 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो एक सीधी साधी लड़की बनकर रहती है और अपने माँ बाप का ख्याल रखती है और उनके केयर करने के लिए वो एक कंपटीशन में पार्ट लेती है, जहाँ से सिचुएशन बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पे उन्हें एक ट्रेन में एक लड़का मिलता है जो कि उस कंपनी का ही बनाया हुआ वो लड़का रहता है, जिसे सुपर पावर दिया हुआ रहता है। वो जायुन के पीछे पड़ा हुआ होता है। यहाँ पर दो कैरेक्टर और दिखाया गया था, जो मिस्टर चाओ और डॉक्टर बेक। डॉक्टर बेक की बात तो हमने कर ली थी। इसमें मिस्टर चाओ भी पीछे रहते हैं, उसे वो लड़की को मारने का काम मिला हुआ रहता है पर वो नाकाम रहता है। तब डॉक्टर बेक अपने आदमियों को भेजती है उसे लाने के लिए। उसे ज़बरदस्ती ले भी आते हैं और लैब में उसे बैठा भी देते हैं और वो लैब में उसे आकर पता चलता है, उसे इंजेक्शन दिया जाता है उसके पास्ट को याद दिलाने के लिए। उसके बाद उसे क्योर का इंजेक्शन याद दिया जाता है डॉक्टर बेक के द्वारा। तभी पता चलता है डॉक्टर बेक को कि लड़की एक्टिंग कर रही होती है। तभी जायुन बताती है कि वो एक्टिंग कर रही होती है डॉक्टर बेक के नज़दीक आने के लिए। तभी वो फाइटिंग सीन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फाइट होता है, मिस्टर चा भी अपने आदमियों के साथ आ जाता है और इधर डॉक्टर बेक के लड़के भी रहते, दोनों के बीच फाइट होती है। उधर जायुन डॉक्टर बेक को गोली मारती है और उधर वो ट्रेन वाला लड़का भी पहुंचकर डॉक्टर बेक को बचाता है जायुन से। फिर जायुन और उस ट्रेन वाले लड़के के बीच में फाइट होती है। उसके बाद मिस्टर चाओ भी आता है और दोनों को गोली भी मारता है। फिर जायुन उसको मार देती है, उसके ट्रेन वाले लड़के को भी मार देती है और फिर लैब में से अपने क्योर वाले दवाई निकाल कर वहाँ से चल देती है। फिर वो अपने मॉम डैड के पास पहुँचती है। मॉम उसकी हॉस्पिटल में पड़ी हुई रहती है। डैड को कहती है ये मॉम को देते रहना। उसके बाद वो अपने परमानेंट क्योर के तलाश में वहाँ पहुँचती है और फिर वहाँ उसे वो मिल भी जाता है। उसके बाद फिर मूवी द एंड की ओर पहुँच जाती है।